Welcome to Bollywood's hottest news show, Planet Bollywood News. मैं हूँ मेघा. हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले let's begin with today's headlines. शाहरुख का मैजिक फीका होने पर यशराज फिल्म्स ने बॉलीवुड के किस बड़े खान पर लगाया नया दांव? महाराष्ट्र में शोज कैंसिल होने पर जब तक है जान एंड सन ऑफ सरदार को हुआ कितने का नुकसान? आमिर खान क्यों करेंगे सिर्फ रात को प्रमोशन? प्रियंका चोपड़ा किस इंटरनेशनल स्टार के साथ करेंगी परफॉर्म? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे सुष्मिता सेन आज कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं अपना बर्थडे. आज के बुलेटिन की शुरुआत एक इनसाइड न्यूज के साथ. जूम को पता चला है कि शाहरुख खान का जादू फीका होने पर अब यशराज फिल्म्स ने एक दूसरे खान पर दाव खेलने की तैयारी कर ली है. कौन सा है ये खान, रिवील करेगी हमारी आज की टॉप स्टोरी. शाहरुख खान को पीछे कर एक बैनर के लाडले बन गए हैं सलमान खान. एसआरके पर बिलीव करती आई एक प्रोडक्शन कंपनी अब लगाने जा रही है सलमान पर अब तक का सबसे बड़ा दांव. जी हां, खबर आ रही है कि YRF फिर कर रहा है एक था टाइगर जैसी सक्सेस पाने की तैयारी. और इस नए गेम प्लान के लिए YRF की चॉइस किंग खान नहीं बल्कि होंगे सलमान खान. एक था टाइगर में रिंग मास्टर बने कबीर खान, इस नेक्स्ट सलमान खान स्टारर को डायरेक्ट करेंगे या नहीं फिलहाल ये तो क्लियर नहीं है. लेकिन इतना जरूर होता दिख रहा है कि एक बार फिर बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा बैनर सक्सेस के लिए लेने जा रहा है सलमान खान का सहारा. और जब तक है जहाँ के तुरंत बाद सलमान के दोबारा YRF की चॉइस बनने की न्यूज ने इतना इशारा भी कर दिया है कि 100 क्रॉस की रेस में SRK की फिल्म का पिछड़ना किंग खान पर भारी पड़ने जा रहा है. क्योंकि खबरों की माने तो यशराज की ये आने वाली फिल्म उनके बैनर की सिग्नेचर स्टाइल रोमांटिक फिल्म नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड एक्शन फिल्म होगी. इसकी वजह शायद ये है कि सलमान खान की रिसेंट यशराज फिल्म एक था टाइगर ने अपने धमाकेदार एक्शन और कटरीना से सलमान की केमिस्ट्री के दम पर इस बैनर को बॉक्स ऑफिस पर किंग बना दिया था. और इसी सक्सेस का चस्का लगने के बाद लगता है यशराज भी अब वैसी ही एक्शन से भरपूर फिल्म्स प्लान करने में जुट गया है जिसमें सलमान फिट बैठते हैं. और तो और रिपोर्टेडली सलमान के ऑपोजिट हीरोइन चूज करने में भी यशराज अब तक की अपनी सारी फेवरेट हीरोइंस को साइन करने की बजाय सोनाक्षी को कंसिडर कर रहा है जिनके साथ सलमान भाई की पेयरिंग ऑलरेडी मास्टर्स एक्सेप्ट कर चुकी है. बस YRF की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर अनुष्का से सोनाक्षी का मुकाबला होना बाकी है. वहीं सोनाक्षी और अनुष्का में से फाइनली एक को चुनने का काम जब सलमान भाई के पास आएगा तो समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि सलमान किसकी विश करेंगे पूरी. Definitely, I would have loved to be directed by him because of, you know, his body of work. Definitely, I'm not going to get that chance now. But still, I mean, it's a huge loss for the entire industry. So I'm sure I'm not the only one. Well, अगर सलमान यशराज की next film भी करेंगे, तो कहना गलत ना होगा कि सलमान बन जाएंगे यशराज के नए राज. और सोनाक्षी अगर as a heroine हो जाती हैं confirm, तो वो भी बन जाएंगी finally a यशराज girl. For Salman Khan, Zoom Mumbai. कल मुंबई में फिल्म सन ऑफ सरदार एंड जब तक है जान के सभी शोज कैंसिल कर दिए गए. इससे दोनों फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर क्या असर पड़ा, चलिए जानते हैं. सन ऑफ सरदार और जब तक है जहाँ को लगभग 16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के कई शहरों में दोनों फिल्मों के शोज सभी मल्टीप्लेक्सेस और सभी थिएटर्स में कल बंद थे जिसकी वजह से फिल्मों को भारी नुकसान हुआ है. मुझे लगता है कि 16 करोड़ तो नहीं होगा लेकिन 12 से 14 करोड़ तक का नुकसान है. उसमें सिनेमैक्स का अपना नुकसान 2 करोड़ का है और चूंकि सिंगल स्क्रीन में भी नुकसान हुआ है, टोटल महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है. तो अगर रफली लोगों का अगर कहना है 16 करोड़ तक का तो उतना तो नहीं, लेकिन 12-14 करोड़ का नुकसान डेफिनेटली पूरी इंडस्ट्री को 2 दिनों के इस काल में हुआ. मुंबई के अलावा पुणे, नासिक, शोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सातारा, नागपुर, अमरावती, अकोला और जलगांव में भी शोज कैंसिल किए गए जिससे दोनों फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तगड़ा असर पड़ा है. गलती तो नहीं है क्योंकि हम लोग एडवांस में फूल थे. सैटरडे संडे यश जी की फिल्म भी जब तक जहाँ भी फुल थी और सन ऑफ सदा भी फुल थी. ये मेरे गेटी गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ
जहाँ तक मराठा मंदिर का सवाल है, मराठा मंदिर भी फुल था, इसीलिए रिफंड देने को लाइन लग रही है। आज हमने बैंकिंग नहीं किया है, घर से पैसे लाए हैं और रिफंड दे रहे हैं सबको, ये ऑफर करते हुए कि अगर आपको अभी देखना है तो हम टिकट आपको दे देते हैं और आपकी पुरानी टिकट दे दीजिए, और नहीं देखना अभी तो आप रिफंड दे। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर तो शोज कैंसिल होने का असर पड़ा ही, मल्टीप्लेक्सेस की भी कलेक्शंस काफी इफेक्ट हुई, जिसकी डिटेल्स जूम ने जानने की कोशिश की। महाराष्ट्र में हमारे 66 स्क्रीन्स हैं और करीब 6 सिटीज़ में, बॉम्बे, ठाणे, कल्याण, उसके अलावा नासिक, पुणे, नागपुर, इन मालेगांव, इन सारे शहरों में हमारे 66 स्क्रीन्स है। तो पहले दिन मतलब सैटरडे को हमारे 3 शोज़ सारी जगह कैंसिल हुए और उसके बाद संडे को 5 शोज़ होते एक स्क्रीन में, तो वैसे 5 शोज़ कैंसिल हुए। तो टोटल मिला के 66 स्क्रीन्स में हर स्क्रीन में हमारे 8 शोज़ कैंसिल हुए। तो टोटल देखा जाए तो रफली 528 शोज़ हमारे 2 दिन में कैंसिल हुए महाराष्ट्र में। तो इसका पूरा नुकसान अगर देखा जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि 50-60% की टेज की भी अगर ऑक्यूपेंसी रही सैटरडे और संडे में, तो कैफ़े वगैरह सब मिला के करीब 2 करोड़ का नुकसान हुआ है, टोटल रेवेन्यू लॉस है हमारा। और उसमें सिनेमैक्स का अपना अगर शेयर देखा जाए तो करीब 1 करोड़ तक का हमारा नुकसान है। यानी इससे पहले कि बॉक्स ऑफिस पर हुई इन 2 बड़ी फिल्मों की भिड़ंत किसी नतीजे पर पहुंचती, बॉलीवुड को कंपटीशन का एक बड़ा सबक मिल गया है, क्योंकि जहां अब तक एक अच्छी फिल्म इतने बड़े वीकेंड के खत्म होने पर अकेले 100 करोड़ के आंकड़े को पार करती है, वहीं अनफॉर्चुनेटली दोनों फिल्में मिलकर भी इस जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई। और जहां सिर्फ एक फिल्म को नुकसान होता है, वहीं अब ज्यादा फायदे की लड़ाई में दोनों फिल्में नुकसान में भागीदार बन बैठी हैं। For आरती दानी, Zoom, Mumbai. आमिर खान रिसेंटली पहुंचे एक टीवी शो पर अपनी फिल्म तलाश को प्रमोट करने। वहां आमिर ने क्या कुछ किया खास? Let's see in this report. हमने आपको कुछ दिन पहले ये खबर दी थी कि आमिर ने अपनी फिल्म तलाश को जब तक है जान और सन ऑफ सरदार की रिलीज के बाद प्रमोट करने का सोचा है, और वैसा ही हुआ, क्योंकि इन दोनों फिल्म की रिलीज के बाद अब आमिर ने शुरू कर दी है तलाश की प्रमोशन। और हमने उन्हें रिसेंटली स्पॉट किया एक टेलीविजन शो पर, विच इज बेस्ड ऑन क्राइम डिटेक्टिव्स। तलाश को प्रमोट करने के लिए आमिर ने चूज किया एकदम एप्ट शो। वैसे सुनने में ये भी आया है कि आमिर अपनी फिल्म को नाइट टाइम में ही प्रमोट करेंगे। उसकी वजह ये है कि तलाश फिल्म की पूरी शूटिंग नाइट बेस्ड है, उन्होंने फिल्म से मिलती जुलती प्रमोशनल स्ट्रेटजी निकाली है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आमिर विल बी सीन प्रमोटिंग तलाश ओनली ड्यूरिंग नाइट्स। अब हमने आपको आमिर से जुड़ी इतनी खबर दे ही दी है, तो आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरह इस मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने की अपने रोल के लिए तैयारी। खबर आई है कि आमिर ने तलाश फिल्म में कॉप के रोल में घुसने के लिए नाइट पेट्रोलिंग कॉप्स की मदद ली है। दरअसल आमिर तलाश में निभा रहे हैं एक पुलिस अफसर का किरदार, जिसके लिए उन्होंने रियल कॉप्स की मदद से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस फिल्म के लिए। मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टैग आमिर को यूं ही नहीं मिलता है, हर बार अपनी फिल्म्स के लिए ये लेते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एंड इसीलिए कहलाए जाते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। शाहरुख खान चाहते हैं कि रोहित शेट्टी उनके लिए एक और फिल्म डायरेक्ट करे। वेल, इस खबर को देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि रोहित शाहरुख के फेवरेट डायरेक्टर बन गए हैं? चलिए पता करते हैं। जो रोहित शेट्टी आज तक अजय देवगन के साथ काम करते आए हैं, वो अब शाहरुख के साथ अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस बना रहे हैं। रोहित शेट्टी और शाहरुख खान ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया है, पर ऐसा शायद ही कभी सुनने को मिलता है कि एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ नहीं कि एक जोड़ी ने दूसरी फिल्म भी साइन कर लेने की सोची। वेल यस, ऐसा ही कुछ हुआ है रोहित शेट्टी के साथ, एज शाहरुख को उनके साथ करनी है एक और फिल्म। सोर्सेस की माने तो शाहरुख चाहते हैं कि जैसे ही चेन्नई एक्सप्रेस बनकर रेडी हो जाती है, रोहित दूसरी फिल्म लिखना शुरू कर दें। रोहित शेट्टी ने लगभग सभी सुपरहिट फिल्में दी हैं बॉलीवुड को, पर हमेशा उनका साथ दिया अजय देवगन ने। नाउ दैट रोहित हैज चेंज्ड द पार्टी एंड मूव्ड ऑन टू किंग खान, देखना ये होगा कि इन दोनों की जोड़ी भी उतना कमाल दिखा पाती है या फिर नहीं। वैसे शाहरुख से जुड़ी एक और खबर सुनने को मिली है। रिसेंटली एक इवेंट में शाहरुख से जब पूछा गया कि वो ऑन स्क्रीन किस पॉलिटिशियन का रोल प्ले करना पसंद करेंगे, तो जवाब में शाहरुख ने लालू प्रसाद यादव का नाम लिया। वेल, वी होप रोहित ये बात आप तक पहुंच गई हो। अब जब आप शाहरुख के लिए दूसरी फिल्म लिखने बैठेंगे तो इस आइडिया को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई।
प्रियंका चोपड़ा एक इंटरनेशनल स्टार के साथ डुएट सॉन्ग परफॉर्म करेंगी। कब और कहां? वी हैव ऑल द डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। प्रियंका ने रिसेंटली रिलीज किया अपना म्यूजिक एल्बम, जिसके लिए उन्हें मिली काफी अप्रिसिएशन भी। पर अगर अब आप सोच रहे हैं प्रियंका का म्यूजिक का सफर यहीं तक का था, तो आप गलत हैं। प्रियंका ने अपना म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया विल आई एम के साथ, और अब वो इंडिया बुला रही है इंटरनेशनल सिंगर एकॉन को। जी हाँ, सुनने में आया है कि प्रियंका और एकॉन परफॉर्म करने वाले हैं एक लंदन बेस्ड बिजनेसमैन की संगीत सेरेमनी पर। ये संगीत सेरेमनी रखी गई है उदयपुर में। सिंस इट्स अ बिग फैट इंडियन वेडिंग, तो प्रियंका ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस वेडिंग के फंक्शंस रखे जाएंगे नवंबर 21 से नवंबर 24 के बीच, और सुनने में आया है कि एकॉन 22 नवंबर को उदयपुर पहुंचेंगे। इस ग्रैंड वेडिंग पर कैलाश खेर और डीजे अकील भी परफॉर्म करेंगे, पर हमें तो इंतजार रहेगा प्रियंका की सिंगिंग का। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। मीडिया में इस तरह की खबरें उड़ रही हैं कि लेजेंडरी एक्टर शशि कपूर इज नॉट वेल। वेल, इन खबरों में कितनी है सच्चाई, जूम बता रहा है आपको। शशि कपूर इज अनवेल, ही इज वेरी वीक, प्लीज प्रे फॉर हिम। वेटरन एक्टर शशि कपूर के फैन पेज पर किया गया ये कमेंट सभी को हैरान कर देने वाला था। इस कमेंट को पढ़कर सभी ने शशि कपूर की हेल्दी रिकवरी की कामना भी शुरू कर दी। लेकिन आज की अपडेटेड खबर ये है कि शशि कपूर ठीक है। शशि कपूर के अनवेल होने की खबर पर जब फैमिली से कांटेक्ट किया गया, तो उन्होंने इसे सिर्फ एक रूमर बताया। फैमिली का कहना था कि शशि कपूर का सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपना ऑफिशियल कोई पेज नहीं है, इसलिए हो सकता है किसी फैन ने ऐसा लिख दिया हो। वो पृथ्वी थिएटर के एक इवेंट पर सैफ और करीना से बातें करते हुए भी दिखाई दिए थे। 20 जुलाई 2012 को शशि कपूर की मुंबई के एक हॉस्पिटल में कैटरेक्ट सर्जरी की गई थी, और उसके बाद से उन्हें व्हील चेयर पर ही चलने के लिए कहा गया है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया और बॉलीवुड में उनके हद से भी ज्यादा बीमार होने की खबर फैली, उससे पूरा बॉलीवुड हताश जरूर हो गया था। लेकिन अब फैमिली की तरफ से ऑल इज वेल क्लेरिफिकेशन आने के बाद फैंस राहत की सांस जरूर ले रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। परिणीति चोपड़ा एक बड़ा ब्रांड बनती जा रही है, क्योंकि उन्होंने एक तरफ अक्षय कुमार के ऑपोजिट फिल्म साइन की है, तो वही दूसरी तरफ जूही चावला को एक ब्रांड के लिए किया है रिप्लेस। फॉर मोर वॉच दिस रिपोर्ट। वो इशकजादे की इशकजादी है, वो रिकी बहल की लेडी है, और अब वो बनने जा रही है बॉलीवुड के खिलाड़ी की हसीना। परिणीति चोपड़ा का करियर ग्राफ वाकई आगे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि परिणीति ने बॉलीवुड के टॉप स्टार अक्षय कुमार के साथ फिल्म साइन कर ली है। फिल्म के डायरेक्टर ने इस बात को कंफर्म करते हुए कहा कि माय नेक्स्ट फिल्म इज द हिंदी रीमेक ऑफ थुपाकी विद अक्षय कुमार एंड परिणीति चोपड़ा फॉर प्रोड्यूसर विपुल शाह, विच वुड स्टार्ट रोलिंग बाय दिसंबर। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक आर्मी ऑफिसर का रोल करेंगे और परिणीति उनकी लव इंटरेस्ट। वैसे सिर्फ सिल्वर स्क्रीन ही नहीं, बल्कि एड वर्ल्ड में भी परिणीति का करियर ग्राफ हाई होता जा रहा है, क्योंकि जूम को पता चला है कि परिणीति ने एक स्नैक ब्रांड के लिए जूही चावला को रिप्लेस कर लिया है। वेल, इसे देखकर कहना गलत ना होगा कि चोपड़ा गर्ल्स आर रियली रेडी टू रॉक। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद सुष्मिता सेन आज अपना बर्थडे प्लान करेंगी जूम के साथ शेयर। आज सुष्मिता सेन का बर्थडे है, और इस स्पेशल ईव पर जूम की तरफ से सुष्मिता को ढेर सारी विशेस। वेल, इस ईव पर हम आपको दिखाते हैं सुष्मिता सेन का रीसेंट इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने हमारे साथ शेयर किए अपनी लाइफ के कई सीक्रेट्स। हमेशा की तरह लग रही है गॉर्जियस सुष्मिता सेन एंड रेड इस ड्रेस में, खुद आपको कैसा लग रहा है सुष्मिता? I feel like हमारी सब रिहर्सल्स चल रही है। Sometimes I'm a Western bride, sometimes I'm an Indian bride, but today it's beautiful because ये जो outfit रोहित वर्मा ने बनाया है, it's a very heavy outfit and you have to be really tall to wear it. और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं रैंप पे बहुत सालों के बाद नंगे पैर चलूँगी। आई यूजली एम यूज टू या वेयर यू कॉन्ट वेयर दिस एंड वेयर हील्स विद इट, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल एंड आई होप एवरी गर्ल लुकिंग एट इट फील्स लाइक गेटिंग मैरिड इन एन आउटफिट लाइक दिस। व्हाई नॉट, आई मीन वहाँ पर जितने भी लोग ये चेयर कर रहे हैं कि सुष्मिता कब आने वाली, दे आर वेटिंग एंड दे आर डाइंग टू सी यू।
I hope I can live up to that little magical moment, you know, because every time you come up as a showstopper, you, especially in Mumbai, yahan ke log itne dileer hain aur itna bada dil rakhte hain that every time they meet you and they cheer for you, your heart just opens. Okay, and Shashi, you know what? Ab dulhan jaise lag rahe, pyare lag rahe hain, and aajkal aapki shaadi ko lekar bhi saar utar, ab you know kya kehna chahenge? Galat news hai. Intezar karna padega thoda aur. शादी होगी ज़रूर और बहुत अच्छी होगी जब होगी माशाल्लाह, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है. ओके, वैसे आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन अगर आपके साथ आपको रोमांटिक डेट पे कहीं जाना हो और आप किस तरह के मैन को प्रेफर करेंगी, स्टेबल और क्लीन शेवन लुक क्या पसंद करेंगे आप? शुरू से वैसे माय काइंड ऑफ मैन हैज बीन अ क्लीन शेवन मैन, बट यू नेवर नो, चेंज इज इन ऑर्डर ऑलवेज. और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन. We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you. और आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स की शुरुआत सलमान खान से. सलमान खान ने रिसेंटली दुबई में दबंग 2 के सॉन्ग सांसों ले को शूट किया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है. वेल, बढ़ते हैं आगे और आपको ले चलते हैं रेस 2 के सेट पर. जरा पहचानिए तो सही इन तस्वीरों में आपको कौन कौन से बॉलीवुड स्टार्स नजर आ रहे हैं. मूविंग ऑन, आपके सामने है सोनम कपूर, जो आपको कह रही हैं कि अगर आप करते हैं टू व्हीलर ड्राइविंग तो हेलमेट जरूर पहने अपनी इस एड में. लंदन बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे लखनऊ टाइम्स फ्रेश फेस की फुल अपडेट्स. रिसेंटली लखनऊ में हुआ लखनऊ टाइम्स फ्रेश फेस का ग्रैंड फिनाले, जिसकी फुल डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में. क्लीन एंड क्लियर पुणे टाइम्स फ्रेश फेस का रिसेंटली हुआ ग्रैंड फिनाले लखनऊ सिटी में, वेयर इन मेनी यंगस्टर्स गियर अप फॉर दिस मेगा इवेंट एंड शोकेस देयर टैलेंट. अलग अलग तरीके से इन यंगस्टर्स ने अपना टैलेंट दिखाया. किसी ने सुर और ताल सजाए, किसी ने डांस परफॉर्मेंसेस किए, तो किसी ने किया रैंप वॉक. और इनके परफॉर्मेंसेस को जज करने के लिए यहाँ मौजूद थे कई रिनाउंड जजेस. इट वाज अ वेरी स्वीट शो, रियली नाइस एंड एक्साइटेड टू सी ऑल दीज यंग किड्स बीइंग सो एक्साइटेड. आई विश वी हैड थिंग्स लाइक दीज इन आवर टाइम्स. You see all these girls being excited, wanting to go out, do things. And it is surprising when you see this city, you don't really think, you know, when you see them first, you don't think that they'll be capable of doing the things that they did do. But excellent questions, excellent answers, excellent performances, very exciting and really young and hip. After the performances, the show came to an end, where the judges rewarded the best with the winner's trophy. The winners shared their happiness after winning the trophy. It's been wonderful, actually. I mean, I never thought that I will reach here. I took this as for me actually to boost up my confidence, and now I'm thinking like I came to buy an Alto and I bought an Audi actually, so it feels great. Very 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 excited. It was so, I had no option that I'm going to win this title. I think I thought if not then the second runner up, but winner was totally unexpected. The journey was awesome, so I think like when they came to the college, we were so unprepared. Like our seniors went and said that you won't bring the college status and who. So the journey has been awesome. Confidence has increased a lot in me, and awesome type of an exposure. It's too good. And with this, the beautiful evening came to a lovely end. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.